सब्सक्राइब कीजिए वीडियो श्रेयस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स एंड ब्लॉग्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप फोन पे बिजनेस ऐप चला रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक फीचर्स निकल के आया है जो कंपनी ने अपडेट दिया है लॉकडाउन के चलते। बहुत ही बढ़िया फीचर्स निकल के आया है, क्योंकि आप अभी दुकान खोल नहीं सकते, आपका स्टोर से सामान बेच नहीं सकते, जो भी स्टोर आप दिए हैं कुछ भी सामान बेच नहीं सकते। इसको देखते हुए फ़ोनपे बिजनेस ने एक फीचर्स निकाला है जो आप घर बैठे या फिर दुकान बिना खुले ही सामान बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो की ओर चलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और दूसरों को भी बताएं, जो आप जानते हैं कि रिटेलर है और फ़ोनपे बिजनेस ऐप चलाते हैं तो उनको भी बताइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम सभी दुकानदार सामान बेचना चाहता है, सभी कस्टमर को देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सामान बेच भी सकते हैं, दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो मैं सीधा स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये फ़ोनपे बिजनेस ऐप मैं खोल दिया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ऊपर में लिखा आ रहा है न्यू फोन पे फीचर्स टू सपोर्ट योर बिजनेस, तो इसमें ऑफर निकाल के दिखा रहा है पूरा। लॉन्चिंग फोन पे खाता, और एक ठो फीचर्स निकाला है, और एक ठो निकाला है डोनेट। ये तो छोड़िए, ये बात की बात है, तो मैं दो फीचर्स की बात करता हूँ पहले, ठीक है। देखिए, इसमें इसका नीचे जो स्क्रोलिंग हो रहा है उसका नीचे आप देखेंगे तो ये हेल्प योर कस्टमर ड्यूरिंग लॉकडाउन लिखा है। तो ये बोल रहा है कि आप दुकान बिना खोले भी कस्टमर के पास सामान शो कर सकते हैं, या फिर दिखा सकते हैं, या फिर बेच सकते हैं, जो भी समझे आप। जैसे मैं स्टोर अपडेट में क्लिक करता हूँ, इसमें दो ऑप्शन दिया है, देखिए, स्टोर शेयर स्टोर और स्टोर अपडेट्स। तो मैं स्टोर अपडेट में क्लिक करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि आइटम अवेलेबल, मैं इसमें क्लिक करता हूँ अपडेट नाउ पे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा पास नोट 7 प्रो है जो इतना रेट है 9999 का, गैलेक्सी J2 है, सैमसंग गैलेक्सी J2 जो मान लीजिए 6000 का है, 5400, ठीक है, मैं 5400 में बेचता हूँ, 5400 है, ठीक है। रेडमी 6A का है 6000 रुपया, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है आपके हिसाब से रेट, जो जेन्युइन रेट है उसको डालें और कस्टमर को शो करें। कैसे शो करेंगे इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। एंटर आइटम लिखा है इसमें, जैसे आप मेरा मोबाइल का दुकान है, मैं लिखता हूँ मेरा पास सैमसंग, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सैमसंग M30, ये कितना रेट है 13999 रुपया, ठीक है। जैसे ये अपडेट नाउ में क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, देखिए अपडेट नाउ में क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि पोस्ट इज लाइव फॉर नेक्स्ट 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद कस्टमर के मोबाइल में ये शो करने लगेगा कि ये फलाना दुकान में ये सारा सामान अवेलेबल है बोल के, ठीक है। आपके जो भी दुकान का नाम होगा उसको, उसके आसपास में जो भी कस्टमर है उनको शो करने लगेगा। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ ये फीचर्स भी बहुत अच्छा फीचर दिया है और आपको भी बहुत काम की चीज़ है ये फीचर्स, और आपके भी बहुत काम में आएगा, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन में दुकान खोल नहीं पाएंगे, और दुकान खोलेंगे तो भी बेचेंगे कैसे, बिना खोले सामान तो कस्टमर तो देख के लेगा ना, बिना देखे सामान लेगा नहीं। तो इसके लिए फ़ोनपे बिजनेस ने बहुत ही बढ़िया फीचर्स निकाला है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं यूज कर रहा हूँ और अभी यहाँ से लगभग 4-5 तो आइटम बेच चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन में फोन ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट दिखाता है उस टाइप का है। तो देखिए दूसरा फीचर्स मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये दूसरा, ये तो पहला वाला हो गया स्टोर अपडेट्स वाला, दूसरा फीचर है इसमें खाता,
इसमें क्या फीचर्स दिया है, देखिए मैं एंट्री किया हूँ और एक एंट्री करता हूँ, जैसे कि मैं फ़ोन पे दूसरा नंबर एंट्री करता हूँ, जो फ़ोन पे नंबर जो चालू जिस नंबर पे है वही नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर डालेंगे तो जब आप उधार कलेक्शन करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे उससे उधार जब मांगेंगे उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जब लिंक भेज दें वहाँ से पे होके ऑटोमेटिक आपके खाते में आ जाएगा या आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसमें कुछ मतलब खाता और ओके क्रेडिट में ये सब ऑप्शन नहीं दे रहा था, अभी अभी हाल में निकल के आया है, ये बढ़िया फीचर्स मेरे को लगा, क्योंकि देखिए इसमें मोबाइल नंबर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो आसपास है, और मैं दूसरा वाला भी अवेलेबल नहीं है, मैं एक तो एंट्री किया हूँ और इसमें 5000 का मान लीजिए उधार है, जब इसको मैं क्रेडिट गिवन करूँगा तो इसको क्लिक करूँगा उस मतलब कस्टमर के पास जाएगा, ठीक है, ये लिंक ऊपर वाला जो लिखा है लिंक जाएगा, लिंक जाने के बाद वो जैसे ही पे करेगा आपके फ़ोनपे में जिस अकाउंट को लिंक किए हैं उस अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसमें लिख देगा मतलब जिस आदमी को दिए हैं और या फिर जिस आदमी ने पे किया है उसका मतलब लेजर क्लियर हो जाएगा। तो ये भी ऑफर, ये भी फीचर्स मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इसमें गिविन गिव क्रेडिट लिखा है, कैश पेमेंट और रिमाइंड फॉर पेमेंट, मतलब ये रिमाइंड करेगा जब भी करेगा, इसमें दो दिन तीन दिन या दो तीन घंटा में एक बार करता है, एक मेरे हिसाब से एक दिन में करता है ये, तो ये भी फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें और एक तो ऑप्शन है नीचे, जब भी आप ये सब ऑप्शन चालू करेंगे या फिर फीचर्स चालू करेंगे, नीचे देखिएगा होम डिलीवरी का ऑप्शन एक तो दिया है, इसको चालू कर दीजिएगा, ठीक है। होम डिलीवरी चालू कर देने से क्या होगा कि जैसे कस्टमर कोई प्रोडक्ट आपका लिंक से जो आप प्रोडक्ट शो किए हैं अपडेट किए हैं उससे क्लिक करेगा तो उसको वहाँ पे नीचे लिख देगा कि अवेलेबल टू होम डिलीवरी, मतलब उसको कस्टमर को घर से, वो कस्टमर घर बिना निकले ही सामान पा सकता है, आपको खाली लेके जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताएं कि फ़ोनपे में ये ऑफ़र आया है, अच्छे लगे तो वीडियो ज़रूर से शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।